हफ्ते की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की गर्मी की खबर के साथ। भोपाल में 40 साल में दूसरी बार पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा है। भोपाल में गर्मी ने पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया और इसके पहले 21 मई को 2016 में जो तापमान था वो 46.7 डिग्री दर्ज हुआ था। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 6 जिलों में पारा 46 के पार है। राजगढ़, निवाड़ी, सागर, गुना में तापमान 46 डिग्री के पार। रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 30 से ज्यादा जगहों पर लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 12 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी ने। भोपाल में 40 साल में दूसरी बार पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा है और भोपाल में गर्मी ने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को तापमान बहुत ज्यादा जो है दर्ज किया गया, 45 डिग्री दर्ज किया गया और मौसम विभाग की तरफ से लू को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि तापमान को सामान्य बनाए रखे। प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की जा रही हैं कि गर्मी से लोगों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इस तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। शैलेंद्र चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भोपाल के टूटे हैं, गर्मी भीषण प्रचंड। जी देखिए, बिल्कुल भोपाल की अगर बात करें तो इसके पहले 2016 में करीब 9 साल पहले था जब 46 डिग्री के पार पारा गया था, लेकिन कल 45.4 डिग्री तापमान हो चुका है और पिछले 40 साल में दूसरी बार ऐसा मौका आया जब इतनी भीषण गर्मी है। इतनी भीषण गर्मी की वजह से ही यहाँ पर काफी लोग, कल रविवार था, लोग सड़कों से बाहर तक नहीं निकले। इंतजाम भी किए गए हैं, चौराहों पर टेंट लगाए गए हैं ताकि वो पानी की फुहारें मारी जा रही है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और आने वाले 2 से 3 दिन और लू चलने की स्थिति बताई गई है। एहतियातन उपाय बताए गए हैं कि किस तरह से उपाय करना है और किस तरह से गर्मी से बचना है लोगों को, क्योंकि जिस तरह से पारा बढ़ता जा रहा है वो और आने वाले 2-3 दिन में और स्थिति और खतरनाक हो सकती है। भीषण गर्मी की मार और बढ़ सकती है, खासकर लू की जो लपटे हैं वो लपटे नुकसान पहुंचा सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबको अलर्ट किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दोपहर के समय बाहर तेज धूप में निकलने से भी बचने की अब एडवाइजरी जारी की गई है और ये संकेत आने वाले, ये स्थिति आने वाले 2-3 दिन और बढ़ना ही है, इसलिए पारा माना जा रहा है 46 डिग्री के पार भी जा सकता है। बिल्कुल, और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं शैलेंद्र, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले? क्या पानी का छिड़काव और वाटर एटीएम्स ठीक है यहाँ पर? हाँ जी देखिए, बिल्कुल जो चौराहे हैं, यातायात पुलिस ने, प्रशासन ने प्रमुख चौराहों पर भी टेंट लगाए ताकि जो धूप में सिग्नल पर खड़े होते हैं उनको थोड़ा फायदा मिले। इसके अलावा सिग्नल का टाइमिंग कम किया गया है। यहाँ पर जितने भी रेड सिग्नल, जितने ट्रैफिक सिग्नल है उन पर जो रेड बत्ती होती है उस पर ये इंतजाम किया गया है कि उसका टाइमिंग घटा दिया गया है, टाइमर को कम किया गया। इसके अलावा कई जगह पर जो प्रमुख बाजार है वहाँ पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, पानी की फुहारें मारी जा रही, तो इस तरह से एहतियातन उपाय प्रशासन की तरफ से शुरू किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं गर्मी के मद्देनजर, क्योंकि बीते कई सालों का रिकॉर्ड जो है इस बार टूटा है। बात रिमाल तूफान की करेंगे। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस समय रिमाल तूफान के तटीय इलाकों में लैंडफॉल हुआ उसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तूफानी हवाएं चली हैं और तेज बारिश भी हुई है। इस दौरान कई जगह पर तूफानी हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। ये चार तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तूफान की दस्तक, कोलकाता का क्या हाल हुआ है? तूफान की दस्तक से कोलकाता के ही इलाके में दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर में आप देखिए इस वजह से कई
घंटों बत्ती गुल भी रही है। अलीपुर का भी यही हाल, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति तेज बारिश की वजह से और कहीं कहीं पर पेड़ भी टूट गए हैं। बेमेतरा के पर्दा बारूद फैक्ट्री धमाके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। बेमेतरा के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की बात कही है। उन्होंने 8 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि भी की है, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शनिवार को इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई थी, जबकि कुल 6 मजदूर घायल हुए हैं। मलबे से जो मजदूरों के शरीर के अंग मिले हैं उसका DNA टेस्ट होगा, उसके बाद उनकी शिनाख्त हो पाएगी। इस हादसे पर फैक्ट्री प्रबंधन ने मुआवजे की घोषणा की है। प्रबंधन मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगा। वहीं राज्य सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए के आर्थिक मदद की सहायता दी जाएगी, कंपनी की तरफ से भी मुआवजा दिलाएंगे, घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल आप देखिए बेहद ही दुखद, रायपुर में जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद से ही विष्णुदेव साय का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही कंपनी से भी आर्थिक सहायता दिलवाया जाएगा। सरकार की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको 5 लाख की घोषणा की है और जो घायल हैं उनको 50,000 की घोषणा की है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, बेमित्रा में जो हादसा हुआ उससे हर कोई जो है दुखी में है, अब परिवार में गम का माहौल है और ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की बात की गई है, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी? देखिए अंशिका, बेमेतरा के जो पिरदा गांव में जिस तरह से बारूद फैक्ट्री में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा औद्योगिक हादसा है। 2009 में बालको चिमनी हादसा हुआ था जिसमें 42 कामगारों की मौत हुई थी और अभी इसमें जो 9 जो कामगार हैं वो लापता बताए, एक मौत हो गई है और 8 हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। अब कंपनी प्रबंधन ने भी मुआवजे का मरहम लगाया है तो ये कहा जा सकता है कि मुआवजा 55 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो वहाँ पर छत विछत जो शरीर के जो अंग शव के जो टुकड़े मिले हुए हैं उन्हें उनका DNA टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से जो मजदूर हैं वो लापता है। साथ ही एक बड़ा साइट है, बड़ा बारूद फैक्ट्री है, तो ऐसे में एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कहीं अन्य विभाग में ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, तो अब उसकी भी शिनाख्त और पहचान है वो हो सकेगी। कल देर रात रेस्क्यू का कार्य समाप्त हुआ, कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो वहाँ पर बरामद हुए हैं और चूंकि बड़ा एक बारूद फैक्ट्री है तो ऐसे में जो एक्सप्लोजिव का वहाँ पर काफ़ी मात्रा में भंडारण है तो सेना को भी सौंप दिया गया है। सेना की जो एक्सपर्ट एक्सप्लोजिव जो टीम है वो यहाँ पर आई है और हैंड ओवर ले करके उनकी देख रेख करेगी ताकि टेम्परेचर बढ़े और किसी तरह के अन्य ब्लास्ट ना हो। केमिकल है वहाँ पर, बारूद का भंडारण है, ऐसे में एक बड़ा खतरा ये है कि फिर से कहीं ब्लास्ट की स्थिति ना हो। घातक केमिकल वो है और एसिड है, तमाम जो खतरनाक जो सामग्री है वहां पर वो रखे हुए हैं। फिलहाल कलेक्टर ने ऐलान कर दिया है उनकी शिनाख्ती की जाएगी। कल सभी पीड़ितों के जो 8 जो 9 मजदूर जो लापता बताए जा रहे हैं उनके परिजनों के बयान है वो दर्ज किए गए हैं। न्यायिक जांच के बाद हो सकता है कि इस मामले में जिसने लापरवाही बरती है उस पर FIR दर्ज भी हो सके। एक बड़ा औद्योगिक हादसा है और इस हादसे के बाद सबक लेने की जरूरत है उन औद्योगिक घरानों को जो इस तरह से मजदूर की जानों पर खिलवाड़ करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत है। फिलहाल जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कार्य पूरा कर लिया है, NDRF SDRF की टीम वहां पर मौजूद थी, तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा औद्योगिक हादसा है और इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी वाकई में सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हादसे से। नारायणपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में भीषण आग लगा दी और बीती रात निर्माणाधीन टावर को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी चिपकाया है। घटना के बाद पुलिस और IGBP जवानों ने
सर्चिंग शुरू कर दी है। ये मोबाइल टावर और इसमें आग लगा दी गई नक्सलियों द्वारा, नुकसान बहुत ज्यादा। ऐसे में वहां पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें एक संदेश नक्सलियों ने लिखा है, फिलहाल सर्चिंग शुरू कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये वही टावर है जो आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है और पहली तस्वीर में जलकर राख हो चुका ये टावर मोबाइल टावर था और निर्माणाधीन टावर था जिसमें कि नक्सलियों ने आग लगा दी। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने सर्चिंग शुरू कर दी है। खेम नारायण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, नक्सलियों की ये हरकत क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी देखिए अंशिका, आपको मैं बता दूं कि बीती रात जो है नक्सलियों ने नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के ग्राम गौरदंड के पास बीएसएनएल टावर को आग के हवाले कर दिया है और लगातार जो है सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस के जवानों के द्वारा नक्सलियों को ढेर करने में सफलता मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है नक्सली बौखलाहट में नजर आ रहे हैं और इस तरीके के कायराना करतूतों को अंजाम देने का प्रयास कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो है उस क्षेत्र में आईटीबीपी और पुलिस के जो जवान हैं सर्चिंग कार्रवाई में जुटे हुए हैं और नक्सल विरोधी अभियान को वहां पर तेज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। नर्मदापुरम से खबर, जहां चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी गई है। युवक को पेड़ से बांधकर रस्सी से पीटा गया। युवक पर बकरी चोरी का आरोप था। सिवनी मालवा के नाहर कोला की ये घटना है और मारपीट की तस्वीरें सामने आ चुकी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तालिबानी सजा एक युवक को देते यहाँ के लोग जो है नजर आ रहे हैं। बकरी चोरी का आरोप इस युवक पर लगा है और तालिबानी सजा, पेड़ से उसे बांधकर रस्सी से पीटा जा रहा है। हालांकि इसकी गलती जो है वो ये कि बकरी चुराने का आरोप इस पर लोग लगा रहे हैं जिसके बाद ये तालिबानी सजा एक युवक को दी गई। और अब बात मुरैना के उस चंबल नदी की जिसमें पिछले कुछ समय से मगरमच्छों ने कब्जा कर रखा है। खबर सावधान कर देने वाली है, अगर आप भी चंबल नदी को पार करते हैं या फिर उसके तट पर सैर के लिए जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है। एक कुत्ता जब नदी पार कर रहा था तो मगरमच्छ ने उस पर अटैक कर दिया। 100 मीटर दूर से पानी में दौड़कर मगरमच्छ ने कुत्ते को दबोचा है और गहरे पानी में ले जाकर शिकार बनाया। यह घटना अंबा इलाके के कुतियाना घाट की है। वहीं घटना के वक्त मौजूद लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। तो सावधान होने की जरूरत है, बहुत सावधान होने की जरूरत है। सैर पर कई लोग यहां पर आते हैं और आसपास के लोग खासतौर पर कुछ वक्त बिताने के लिए इस तट पर जाती है, लेकिन बहुत जरूरी है जानना कि चंबल नदी में मगरमच्छों का कब्जा है और कभी भी वो अटैक कर सकते हैं। और ऐसे में मगरमच्छ ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। आसपास के लोग हालांकि वहां पर मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बना लिया। वहां पर एक कुत्ता जो कि दूर से ही गुजर रहा था, 100 मीटर दूर से पानी में दौड़कर मगरमच्छ ने कुत्ते को दबोचा और गहरे पानी में ले जाकर उसे शिकार भी बनाया। और इसीलिए सावधान कर देने वाली खबर है। कई बार लोग नदी भी पार करते हैं और ऐसे में आपकी जान पर बात आ सकती है, तो इसलिए सावधान हो जाइए। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां स्विमिंग पूल में मासूम डूब गया और डूबने से आग लगी है। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में आग फैल गई। खेत के पास ग्रामीण के घर भी हैं। सूचना के बाद भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंची। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। गुड़ तहसील कार्यालय के पास का ये मामला आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई किलोमीटर दूर आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां आपको आग ही नजर आएगी। और ऐसे में किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो चुके हैं आग लगने की वजह से। आग कैसे लगी ये बड़ा सवाल।
अंबिकापुर के एसईसीएल के अमेरा खदान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 13 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया है। बोरी में कोयला भरकर बाइक से चोरी करते थे, अवैध खुदाई कर कोयले की चोरी करते थे। खदान प्रबंधन की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। लखनपुर थाना क्षेत्र के एसईसीएल खदान का यह मामला बताया जा रहा है और यहां पर धड़ल्ले से कोयले की चोरी होती थी। मुरैना के एक स्कूल में आग लग गई। किडीज होम हायर सेकेंडरी स्कूल में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। बिजली की केबल से आग भड़की और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। सबलगढ़ के पीपरघान रोड पर स्थित है ये स्कूल और यहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। महाराष्ट्र में इन दिनों अखबारों की सुर्खियों में है। पहले पुणे की कोर्ट ने लग्जरी कार से हमले के बाद आरोपी को निबंध के आधार पर जाने की परमिशन दे दी थी और अब मुंबई में एक बड़े डॉक्टर को हिट एंड रन के एक केस में 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुणे की इस तस्वीर से शायद आप वाकिफ होंगे, जहां शराब के नशे में एक रईस ज्यादा दो लोगों पर अपनी लग्जरी कार चढ़ा देता है, जिसके बाद पिता अपने रसूख और पैसों की मोटी गड्डियों के दम पर उसे सलाखों से बचा लेते हैं। ये खबर अभी अखबारों की सुर्खियों से हट नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र को एक बार फिर ऐसी ही खबर ने शर्मसार कर दिया। पहले आप ये तस्वीर देखिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। बुजुर्ग महिला अस्पताल के बाहर कार सवार, कार ने महिला को कुचला, कार के नीचे फंसी महिला। इस वीडियो को देखकर आप काफी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन इस कार को कौन चला रहा था, ये महिला कौन है, पूरा मामला क्या है, ऐसे तमाम सवालों का अब जवाब सुनिए। दरअसल ये वीडियो मुंबई में सायन अस्पताल के बाहर का है, जहां अस्पताल के गेट से चंद कदम दूर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। कार में सवार थे अस्पताल के डॉक्टर राजेश ढेरे। आरोप है कि डॉक्टर राजेश ढेरे ने बिना देखे इस बुजुर्ग महिला पर कार चढ़ा दी। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ ही देर में महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने फिर से वेरिफिकेशन किया तो उनकी जो बॉडी पे जो जख्मात थी उसमें ये पाया गया कि शायद उनका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमने मीनवाइल वो प्रीमाइसिस में इंक्वायरी किया। उसमें हमने ये इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक ब्लैक कलर की कार उनके माध्यम से एक डॉक्टर वो चला रहे थे कार, उनकी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ था। अभी हमने उन पर गुना दाखिल किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये तो हुई लापरवाही की बात, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ रईसियत का खेल। गिरफ्तार डॉक्टर राजेश ढेरे को शिंदेवाड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, डॉक्टर का बयान लिया गया, पूरे केस को जाना गया और कोर्ट ने एक जान के बदले में डॉक्टर राजेश ढेरे से 20,000 रुपए का मुचलका जमा कराया और जमानत दे दी, जिसके बाद डॉक्टर ढेरे सीना चौड़ा कर आजाद परिंदे की तरह कोर्ट से बाहर निकल गए। जो ऑफेंस लगा है 304 है, बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में बेल देना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर होने के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे, यहाँ से उनको बेल मिला है, 20,000 रुपये की कैश बिल मिल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल थे, खुद मेडिकल में थे, खुद वो लोग का मेडिकल हॉस्पिटल में अटेंड थे ऑन ड्यूटी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था और वो दिन भी अपने काम पे थे, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठे आरोप। तो क्या समझा जाए कि महाराष्ट्र में एक जान की कीमत कभी 600 अक्षरों का निबंध तो कभी 20,000 की रकम है, जिसे पूरा करने के बाद आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं, नोटों के दम पर अपनी गलती को स्वीकार करके जमानत पा सकते हैं। डॉक्टर राजेश ढेरे वही हैं जिन्हें कोरोना काल के दौरान देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल यानी BKC कोविड सेंटर का हेड बनाया गया था, लेकिन उनकी एक लापरवाही ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकरा